जय हिंद दोस्तों, सक्सेस ट्रेडर्स में आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। देखो, जो मैंने पुरानी पहली वीडियो बनाई थी अपने चैनल पे, वो ट्रेडिंग का ओवरव्यू था। उससे आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिली होगी कि ट्रेडिंग को स्टार्ट करने टाइम क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। पर आज हम सीखेंगे कि जो ट्रेडर्स बिगनिंग में आते हैं तो वो क्या क्या गलतियां करते हैं, क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं, जिनके कारण उनने जो भी लाइफ में सेविंग की होती है वो सारी की सारी वाइप आउट हो जाती है। देखो, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि ट्रेडिंग बहुत ही खतरनाक चीज है। अगर आप इसको सीख के नहीं करोगे, आप सीधा आते हो, डीमैट अकाउंट ओपन करते हो, बाय सेल क्लिक करने लगते हो, तो सीरियसली ये आपका सारा एंटायर जो सेविंग है एक मंथ में खत्म हो जाएगा। एक मंथ में मैं आपको बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, एक हफ्ते में आपका सारा एंटायर सेविंग जो है खत्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो जो है वो हम मिस्टेक्स पे बना रहे हैं कि ट्रेडिंग में आने के बाद जो बिगनर्स होते हैं वो क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं। तो बहुत अच्छे से देखिए, आप ऐसा मत समझना कि मैं आप पहली दूसरी वीडियो में आपको बता दूं ये स्ट्रेटेजी यूज कर लो, वो यूज कर लो तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। जब तक आप लर्निंग नहीं लोगे तब तक कोई भी बंदा आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकता। तो चलिए इसी के साथ आज का ज्ञान शुरू करते हैं। देखो, ज्ञान आपको लेना पड़ेगा। ये दो तीन वीडियोस मैं जो बनाऊंगा आपको इसमें नॉलेज दूंगा वो आपको देखनी पड़ेगी। अगर मैं सीधा ही आपको स्ट्रेटजीज बता दूंगा वो आपके किसी काम की नहीं है। पहले आपको साइकोलॉजी पे वर्क करना पड़ेगा, जो आपकी मिस्टेक्स करते हैं वो उसको समझना पड़ेगा, उसके बाद आप ट्रेडिंग में जा सकते हो। उसके बिना नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं कि जो बिगनर्स हैं वो क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं। बैड पोजीशन साइजिंग। देखो, जो बिगनर होता है उसको पोजीशन साइजिंग के बारे में कुछ नहीं पता होता। अगर वो 50,000 रुपए लेके आ रहा है तो सारा का सारा पैसा एक ही दिन में वो डीमैट अकाउंट में डाल देता है और एक ही दिन एक ही ट्रेड में डाल देता है। देखो, अगर आप पोजीशन साइजिंग मेंटेन नहीं करोगे तो आपका अकाउंट कभी भी हेल्दी नहीं रह पाएगा। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप अगर 50,000 रुपए लेके आ रहे हैं तो स्टार्टिंग आप 10,000 या 20,000 से करो, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लॉस अगर 3,000 या 4,000 का हो भी जाए तो बाकी कैपिटल आपको प्रोटेक्ट करे, आपका माइंड है जो बिल्कुल ओके रहे उसके साथ कि हाँ, अगर मैंने 3,000 लॉस किया है तो 50,000 कैपिटल के साथ मैं नेक्स्ट डे जो है 4,000 का प्रॉफिट जो लॉस हुआ है वो कवर कर सकता हूं। तो इसलिए पोजीशन साइजिंग का सही होना आपके अकाउंट के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट मिस्टेक जो है वो है फियर और ग्रेड। देखिए, जब तक आप फियर में रहेंगे तब तक आपका जो कॉन्फिडेंस है ट्रेड करने का वो अच्छे से नहीं आ पाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा अपने गोल्स को लेकर। रोज देखना पड़ेगा कि हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखो, एक दो बार अगर स्टार्टिंग में आप पहले चेक भी कर लोगे, रैंडम अपने दिमाग में सोच लोगे कि यहां पर मैंने बाय किया, यहां पर सेल किया, तो भी आपकी इससे जो फियर है आपका हो सकता है। और इसके अलावा जो रोज की प्रैक्टिस है वो आपकी स्किल्स को मैनेज करने में बहुत हेल्प करेगी। और फोकस होना चाहिए आपकी टेक्निक पर, स्ट्रेटेजीज पर। जो भी आप स्ट्रेटेजी बनाते हो तो उसको आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से होना चाहिए। रिस्क आपका पहले ही डिसाइड होना चाहिए। अगर आपका जो भी ट्रेड है वो उल्टा पड़ता है तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कितना रिस्क इसमें ले सकता हूं। अगर आप 10,000 से ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इसमें 2,000 का लॉस ले सकता हूं और 2,000 का प्रॉफिट। अगर 2,000 से ज्यादा लॉस होता है तो आपको तुरंत वहां से एग्जिट करना है। फियर को ओवरकम करने का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है रिस्क फ्री एनवायरमेंट। जब तक आपके पास रिस्क फ्री एनवायरमेंट नहीं होगा, जब तक आप बिल्कुल भी ट्रेडर नहीं बन पाओगे। अगर आप किसी से मांग के 10,000 रुपए या 20,000 रुपए लेके आ रहे हो तो आपके एक टेंशन होगी कि हाँ, मैंने प्रॉफिट में ही रहना है, और अगर मैंने लॉस हो गया तो मैंने जिससे पैसे लिए हैं तो मैं उसको वापस नहीं कर पाऊंगा। यही सोच बिल्कुल आपको लॉस में लेके जाएगी, और जब आपका प्रॉफिट होगा तो आप 5 पॉइंट में 10 पॉइंट में निकल जाओगे। उसके बाद वो ट्रेड है जो आपका वो आपको 50 पॉइंट निकाल के देगा आपकी आंखों के सामने और आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए रिस्क फ्री एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है। और आपका जो पोजीशन साइजिंग है वो इसमें मेन काम करता है कि आपको पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। आपको छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करना है। ऐसा मत सोचो कि बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करके आप बड़ा प्रॉफिट कर लोगे। बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करोगे तो आपको लॉस भी बड़ा ही होगा। इसलिए सभी बातों को ध्यान में रख के ट्रेड करें। और नेक्स्ट है ग्रीड।
देखो ग्रीड एक बहुत डेंजरियस चीज है। वो बोलते हैं ना, आदमी की भूख कभी खत्म नहीं हो सकती, जितना चाहे पैसा कमा ले। अगर आपको पहले दिन 5,000 का भी प्रॉफिट हो जाएगा ना 20,000 की कैपिटल पे, तो भी आपकी ग्रीड खत्म नहीं होगी। आपको लगेगा यार ये तो बहुत इजीली पैसे बन रहे हैं, एक मिनट में बाय किया सेल किया 5,000 बन गए। तो ग्रीड को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कोई मूवी होता है जो आपको बिना नॉलेज के 5,000 रुपया 20,000 रुपये बना के दे दे। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपका ग्रीड आप पर बहुत ज्यादा हावी हो सकता है, और जो आपका प्रॉफिट बना है मॉर्निंग का, वो इवनिंग तक आपका खत्म होने वाला है किसी भी हाल में, अगर आप ग्रीड के पीछे भाग। फोमो, ये भी एक बहुत खतरनाक मिस्टेक है अगर आप इस पर काम नहीं कर रहे। फोमो में क्या होगा कि आपको लगेगा आपका कुछ मिस हो रहा है, बिना चार्ट पैटर्न बने आप पहले ही कूद जाते हो, और वो आपका ट्रेड है जो उल्टा पड़ जाता है। देखो पहले मार्केट को समझो, वो करना क्या चाहती है, चार्ट को बनने दो, पैटर्न को बनने दो, पहले कुछ मिस नहीं होगा इसमें, मैं आपको सच में बता रहा हूं। अगर आप बोल देते हो ना एक मूव मिस हो गया, ये रोज चलेगी, मार्केट को कोई नहीं रोक सकता, ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है और आगे भी ऐसे ही चलेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपने कुछ मिस कर दिया है, कुछ मिस नहीं हुआ, आपको मूव्स रोज मिलेंगे। एक दिन होगा आपका कोई साइडवेज चली जाएगी तो आपको लगेगा आज ट्रेड नहीं मिला, तो नेक्स्ट डे मिल जाएगा। तो आपको ऐसे नहीं सोचना है कि मेरे से कुछ मिस हो गया है, पहली चार्ट पैटर्न बन रहा है। आप अगर आप सोच रहे हो कि आप बाय कर रहे हो तो पहली आपको बाय नहीं करना, अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से जैसा आपने प्लान कर रखा है उसी हिसाब से आपको बाय करना है। पूरा चार्ट पैटर्न देख के समझने के बाद फिर आपको बाय करना है और सेल करना है। अगर आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को ब्रेक करते हो तो फोमो आपके लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। देखिए अगर मार्केट में एक दिन आपका लॉस हो गया तो मार्केट से बदला लेने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है। वो आपको, अगर आपने ठान लिया है कि मैं आपको लॉस लेके प्रॉफिट करके ही रहूंगा, तो आपको मार्केट कभी प्रॉफिट नहीं करने देगा, क्योंकि मार्केट बहुत सुप्रीम है। अगर आप मार्केट से झगड़ा करोगे, लड़ोगे, तो मार्केट आपको कभी पैसा नहीं देगा। अगर आपका एक ट्रेड में लॉस हो गया है, तो अगर मॉर्निंग में आपका लॉस हुआ है तो आप आफ्टरनून ट्रेड तक वेट कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए। अगर आफ्टरनून तक कोई अच्छा आपको ट्रेड मिलता है तो आप उस वहां ट्रेड, ऐसे नहीं है कि अगर आपको लॉस हो गया तो आप रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो, उसके साथ ही बाय सेल किए जा रहे हो, ट्रेड ढूंढे जा रहे हो, कोई चार्ट पैटर्न बन नहीं रहा तब भी आप ट्रेडिंग किए जा रहे हो। तो रिवेंज मत लो, बदला मत लो कभी भी मार्केट से। अगर मार्केट को देना होगा तो मार्केट अपने आप देगी, आपको अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रखना है। ओवर ट्रेडिंग, अगर आपका लॉस होगा आप रिवेंज ट्रेडिंग लोगे, उसके चक्कर में आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, ट्रेड लेते जाओगे, अगर कोई चार्ट पैटर्न नहीं भी बन रहा तो भी आप ट्रेड लेते जाओगे, तो आपका जो भी है सारा नुकसान हो जाएगा। लॉस को बचाते बचाते आपका जो कैपिटल है पूरा का पूरा वाइप आउट हो जाएगा। तो ओवर ट्रेडिंग पर ध्यान दीजिए। अगर आपका 11:30-12 बजे तक मॉर्निंग में जितना आपने प्लान किया था आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो प्लीज आप मार्केट से बाहर हो जाएं। वॉच मत करें मार्केट को कभी भी उसके बाद। अगर आप वॉच करोगे तो मार्केट आपको बुला लेगी, वो मूव्स दिखाएगी, आप बोलोगे ये मेरे से मिस हो गया, मुझे जाना चाहिए, ये पकड़ना चाहिए। उसी के चक्कर में आपका जो भी मॉर्निंग का प्रॉफिट होगा सब लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। बिगनर ट्रेडर्स की एक जो सबसे खराब बात है, उनको जब वो नए नए मार्केट में आते हैं तो उनको लगता है वो हर रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल को पकड़ सकते हैं, हर रेड कैंडल पे वो सेल कर सकते हैं और हर ग्रीन कैंडल पे वो बाय कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता। जब तक आपको पैटर्न नहीं बनेगा, आप अच्छे से नहीं समझ लोगे, आप ट्रेडिंग नहीं करोगे। देखो कैंडल बनती रहेगी, रेड भी बनेगी ग्रीन भी बनेगी, बट आप हर मूव को नहीं पकड़ सकते। देखो अगर आप मार्केट के हर मूव को पकड़ने की कोशिश करोगे तो आप हमेशा लॉस में रहोगे। इसलिए मार्केट के हर मूव को मत पकड़ो। अगर आपके प्लान के अकॉर्डिंग आपका ट्रेड चल रहा है तो उसको बाय करो और सेल करो। अगर आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं ट्रेड बन रहा, वो चार्ट पैटर्न नहीं बन रहा, आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसके हिसाब से मार्केट नहीं चल रहा, तो वेट करो, पेशेंस रखो। मार्केट में पेशेंस से बड़ा कुछ नहीं है, मैं आपको सीरियस बता रहा हूं। तो अगर आपको मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। एवरेजिंग करना, देखो बिगनर्स को क्या होता है कि अगर आपके पास 50,000-1,00,000 रुपए है, अगर आपने 20,000 का ट्रेड किया है वो लॉस में जा रहा है, तो सबसे बड़ी गलती जो बिगनर्स करते हैं वो एवरेज करने लगते हैं। देखो लॉस में कभी भी ट्रेड को एवरेज नहीं कर सकते, उसके लिए भी कुछ पर्टिकुलर टर्म्स होती हैं, बट जो भी बिगनर्स हैं वो अवॉइड करो।
लॉस वाले ट्रेड में प्लीज कभी मत ट्रेड करो। अगर आप ट्रेड कट कर दोगे तो आपको नया ट्रेड मिल जाएगा। अगर आप उसी ट्रेड में पैसे डाले जा रहे हो, पहली देखिए एक घोड़ा जो पहली लंगड़ा है, हम उस पे पैसे क्यों लगा रहे हैं? जो हम नया ट्रेड ले सकते हैं तो नया ट्रेड लेंगे ना, हम अच्छे घोड़े पे पैसे लगाएंगे। लंगड़े घोड़े जो पहली हमको लॉस दे रहा है उस पे क्यों हम बार बार ट्रेड को उसमें पैसे डालते जाते हैं? देखो ये गलतियां बहुत बड़ी मिस्टेक्स बन जाती हैं जब आप इन पर ध्यान नहीं देते। पता भी नहीं चलेगा आपको कब आपका कैपिटल जो है वो कम होता जाएगा और वाइप आउट हो जाएगा। देखो उसके बाद कोई आपको बताने नहीं आएगा ये बातें। ये जो डिप्रेशन होगा सिर्फ आपको ही झेलना है वो। और जो भी बिगनर्स आते हैं उनको लगता है पता नहीं यार क्या है, ट्रेडिंग में हम पैसा डालेंगे वो डबल हो जाएगा। देखो पैसे के लिए पहले भी कभी मत सोचो कि हम 1 लाख डालेंगे उसमें से 2 लाख निकाल लेंगे, कभी ऐसा नहीं होगा। एक दिन हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा, 3रे दिन वो जो भी कमाया वो आपकी कैपिटल के साथ सारा कुछ आपका ले जाएगा। सबसे पहले आप लर्निंग लीजिए, पैसे पे ध्यान मत दीजिए, छोटे ट्रेड्स लीजिए। अगर छोटे ट्रेड में आपको पैसा बन रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी बढ़ाइए। और देखिए बाकी मैं आपको जितना चाहे समझा लूं बट एक्सपीरियंस से बड़ा कुछ नहीं है। आप कहीं से भी ट्रेनिंग ले रहे हो, कोई भी मेंटोरशिप कर रहे हो, तो देखिए साइकोलॉजी को बनने में टाइम लगेगा, आपको मार्केट में उतरने में टाइम लगेगा। बस आप प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ कीजिए, जो भी करना है ट्रेड अपने प्रॉपर प्लानिंग के साथ कीजिए, बाकी एक्सपीरियंस से बड़ा कुछ नहीं है। जो भी आपको सिखाएगा एक्सपीरियंस ही सिखाएगा। अभी हम अपनी साइकोलॉजी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? अपने प्लान पर बने रहिए, डिसिप्लिन रखिए और अपने माइंड को शांत रखिए। जितना आप अपने माइंड में से बातें निकाल के आओगे, घर बार की जो भी पैसे देनदारी है, जो भी आपका लॉस है, सबको निकाल के आइए और अपने जोन में रहिए। जो भी आपने मार्केट की प्लानिंग की है उसमें रहिए। देखिए ये जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं ये कोई बताने नहीं आएगा आपको, बिगनर्स को स्पेशली कोई ये चीजें बताने नहीं आएगा। मैं भी स्टार्ट कर सकता हूं, बाकी चैनल्स पड़े हैं वो स्ट्रेटेजी बताएंगे, 10 का 100 कैसे बनाना है, रोज 10,000 कैसे बनाना है, 50,000 सब आपको बताएंगे। कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि आपकी मिस्टेक्स क्या है, आपको साइकोलॉजी कैसे बिल्ड करनी है, कोई आपको ये नहीं बताएगा। हर कोई आपको बताएगा आपको ना चैनल चलाने के बारे में, अपना कोर्सेज बेचने के बारे में। हर कोई आपको यही बताएगा कि 10,000 में मेरा ये कोर्स लो, आपको ये सिखाएंगे। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। देखो स्टार्ट करने को मैं पहले ही आपको स्ट्रेटेजीज बता सकता हूं, जो भी है जो भी बताना है बता सकता हूं, बट मैं चाहता हूं कि अकबर जो मैंने गलतियां की हैं वो आप मत करो। मैं कोई भी आपको किताबी ज्ञान नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं बता रहा, जो मैंने भुगता है सिर्फ वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं चाहता हूं जो गलतियां मैंने की हैं वो आप मत करो। यार डिप्रेशन में चले जाओगे, किसी से पैसे लेने होंगे, ईएमआई जब मंथ स्टार्टिंग में सर पर खड़ी होती है, दिमाग खराब हो जाता है बंदे का, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। मैं नहीं चाहता कि आप किसी के आगे हाथ फैलाओ। देखो जो आपने सोचा होता है ना कि यार मैं तो ऐसे हूं, मैं तो वैसे हूं, बिगनर्स ट्रेडर पे जो भी आप कैपिटल लेके आओगे वो आपका एक बार खत्म होना ही होना है। आप किसी को भी अगर कॉल एंड टिप्स लेते हो, कोई भी टेलीग्राम चैनल को आपने फॉलो किया, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो आपको एक दिन पैसा दे देगा, दूसरे दिन पैसा दे देगा, आपका तीसरे दिन पैसा जाने ही वाला है वो। अगर आप कोई टेलीग्राम के टिप्स लेते हो, किसी से भी कॉल्स लेते हो, तो अगर वो मान लो किसी ने आपने टेलीग्राम कोई भी ज्वाइन किया है, वो आपको मॉर्निंग में एक कॉल देता है और इवनिंग में एक कॉल देता है, तो अगर आप एक कॉल लेके आप प्रॉफिटेबल बन भी जाओगे तो आपके अंदर इतना सबर ही नहीं होगा, आपकी साइकोलॉजी वैसी होगी ही नहीं कि आप आफ्टरनून तक वेट कर सको। आप फिर से मार्केट में जाओगे, फिर से ट्रेड करोगे और फिर से लॉस करोगे। इसलिए आपको साइकोलॉजी बिल्ड करनी, अपनी मिस्टेक्स के बारे में आप क्या क्या कर सकते हो वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम साइकोलॉजी पे अच्छे से बात करेंगे कि कौन से पॉइंट्स को आप ध्यान रखना है। उसके बाद हम आपको जो भी ट्रेडिंग प्लान करना है, किस दिन कौन सी ट्रेडिंग प्लान करना है वो सब बताएंगे। उसके बाद फिर हम जो भी डेली हम एक्टिविटीज करते हैं मार्केट में ट्रेड करने के टाइम फिर स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट बढ़ाएंगे और लॉसेस को कम करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। आगे की वीडियोस बहुत जबरदस्त होने वाली है और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।